उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जन्मतिथि के मामले को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी बीजेपी से मिले। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झूठे समर्थन पत्र पर निर्वाचक आयोग के समक्ष पेश किया गया है। चाहे उनकी उम्र का मामला हो या उनकी संपत्ति का या फिर घोटाले का मामला हो, उसमें सारे के सारे तत्व छिपाए गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने जो झूठे शपथ पत्र माननीय निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किए हैं, चाहे उनके उम्र का वाला मामला, चाहे उनके संपत्ति का मामला हो, चाहे 2020 घोटाले का मामला हो, ये सारे के सारे तथ्य इन्होंने छुपाए हैं। उम्र में इन्होंने जो है वर्ष 2014 के चुनाव में 54 साल दिखाई है, 17 का जो नामांकन पत्र है उसमें भी 54 साल दिखाई है, 2012 का चुनाव है उसमें इनकी उम्र जो है उस टाइम 52 साल दिखाई है इन्होंने, जबकि 51 साल होनी चाहिए थी। इसी तरह जो संपत्ति है, 1 करोड़ रुपये की संपत्ति इनकी पत्नी के नाम है, उसका मूल्य उन्होंने करीब 6 गुना कम दिखाया है, और जो इनका एक निवास है डिफेंस कॉलोनी में उसकी कीमत मात्र 50 लाख रुपए में दिखाई है, जबकि 1 बीघा के करीब है, आधा तो उसमें बना हुआ है आधा खाली है। डिफेंस कॉलोनी जैसी जगह पे जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज़्यादा है उसको 50 लाख में दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ढेंचा बीज घोटाला है जिसमें इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय से नोटिस भी जारी हुए, उसका इन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। तो ये सारी की सारी धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा करके जो इन्होंने गुमराह किया है, जनता को भी गुमराह किया है और माननीय निर्वाचन आयोग को भी गुमराह किया है। इस मामले में FIR दर्ज कराने को लेकर आज हमारा जो मोर्चे का प्रतिनिधिमंडल है DGP श्री अनिल रतूड़ी जी से मिला है, और हमने उनसे कहा कि इसमें कार्रवाई करें, आप इसमें FIR दर्ज करें।